तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम अपने पार्किंग में। अभी हम थोड़ा काम से मालदेवता की साइड जा रहे हैं, तो आज हम कार से जाएंगे क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है। एंड अभी निशभ है मेरे साथ एंड अनमोल को भी हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तो अभी हम बैठते हैं कार के अंदर एंड यहाँ पर निशभ भी आ चुका है, तो आपको मिलते हैं सीधे अनमोल के घर के पास। बाय। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। पहुंच चुके हैं अब थोड़े ही नजदीक में और जंगल के रास्ते में अभी चल रहे हैं, अभी सीधे सीधे। और ये देख सकते हैं आप, और हैप्पी टीचर्स डे, अगर कोई टीचर देखेगा तो हम लोगों को। भाई यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी सीधी रोड है महादेवता की। यहाँ पर मैं जितना लंबा खींच सकता हूँ रैप उतना खींच रहा हूँ। पहुंचने वाली है, बस पहुंच गई। फ्रेंड्स अभी हम मालदेवता जा रहे थे तो थोड़ा हमने स्टॉप लिया है क्योंकि अनमोल और निशभ दुकान गया है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बाहर निकलता हूँ कार से। एंड मैं अभी कार से बाहर निकल चुका हूँ। यहाँ पर बीच रोड में रुके हैं, यहाँ पे शिव भगवान का मंदिर है यहाँ पर। एंड यहाँ पर लोकल्स भी बहुत है क्योंकि यहाँ से गढ़वाल भी जाते लोग सीढ़ी वगैरह। तो गाइस बहुत मज़ा आ रहा है आज कार में राइड कर रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत सनी डे है। एंड पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर महादेव भगवान का मंदिर, यहाँ पे पूरा लोकल्स है, ये मालदेवता की रोड है। एंड अभी हम मालदेवता जाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे अगर वहाँ पर पानी होगा नहीं है तो पुल पुल के पास रुकेंगे अभी हम जाकर। एंड देखते हैं अभी हम पुल के ऊपर भी जाएं तो आपको तब मिलता है। सो गाइस अनमोल आ चुका है दुकान से सामान लेकर एंड निशभ कुछ बात कर रहे हैं होटल वाले से। तो लौंडन में आ चुका हूँ, मेरा दोस्त आ चुका है पूरा स्टॉक भर के, लगता है इन्होंने खाना खाया नहीं है दिन में। ये तो टीचर्स डे मनाने गए थे स्कूल में और इसकी हालत देख सकते हो, पूरी अरेंजमेंट करी थी इन्होंने स्कूल में अपने आप से, पूरा डांस करा है। जिम तो जा नहीं रही है, आज दूसरा दिन है, बट होपफुली मैं आज शाम को इनको जिम लेके जाऊंगा और जिम में रगड़ूंगा। एंड अभी गोलू कुछ काम कर रहा है दुकान में, जब गोलू आता है अरे जिम जाएगा गाइस, देखना क्यों दर्द होता है। तो गाइस जैसे गोलू आता है आपको तब मिलाता है, मिलते हैं सीधे माल होता है। तो फ्रेंड्स दुकान से थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं मालदेवता के पुल पर, जो कि पूरा लंबा सा ब्रिज है। और यहाँ पर व्यू चेक करो आप, पूरा ही ग्रीन 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 एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन हो चुका है यहाँ पर। एंड ऊपर पूरे पहाड़ हैं यहाँ पर, जो कि गढ़वाल रीजन के पहाड़ हैं, पूरा ग्रीनरी छा रखी है। आज वेदर भी बहुत सनी है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है गाइस, नदी का व्यू चेक करो। अभी हम जाएंगे आपको नीचे जाकर दिखाएंगे नदी कैसी है। मॉनसूनस में तो ये नदी बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है, बट अब विंटर्स जैसे जैसे आ रहे हैं वाले हैं यहाँ पर पानी वगैरह कम हो जाता है। तो भाई लोग अभी हम लोग ब्रिज से नीचे आ चुके हैं, नदी के पास जा रहे हैं। अभी उस वाले ब्रिज पर हम लोग खड़े हुए थे, तो अब थोड़ा रास्ते उस्ते पे चलते हैं। गर्मी सहन नहीं करी जा रही, तो फ्रेंड्स यहाँ पर रास्ता तो है नहीं नीचे जाने का, ऐसी रफली जो रास्ता है रफ तरीके से बनाया उससे जाते हैं हम नीचे यहाँ पे। और मेरा अनमोल का प्लान तो यही कि हम तो नहाएंगे, हम तो भाई नहाएंगे, जरूर नहाएंगे, कोई कद्दू कुछ नहीं उखाड़ सकता क्योंकि वैसे तो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा मेरे तरफ से। ओ भाई साहब उधर गए, कैमरा गिर गया था समझ लो। तो क्या हमारा आखिरी ब्लॉग होगा अगर कैमरा गिर गया तो भाई जैसे सब लोग नहा रहे हैं यहाँ पर, तो मेरा अनमोल का प्लान चढ़ गई गर्मी, अब हम भी नहाएंगे दो मिनट बस हमसे बस नहा, हम लोग नहाने जा ही रहे। नहाने के बाद दिखाएंगे आप ऊपर का कैसा कैसा व्यू आ रहा है, अभी चलते रहिए गाइस। तो अभी यहीं थोड़ा ख़त्म करते हैं, अब थोड़ा एक अच्छी सी प्लेस ढूंढ के वहाँ आपसे मिलते हैं, बाय। तो फ्रेंड्स नदी के किनारे आकर, गर्म तो बहुत है यहाँ पर एंड क्या हो रहा है इन दोनों से तो गर्मी सह नहीं जा रही, तो ये लोग तो नहाने जा रहे हैं। नदी काफ़ी प्यारी लग रही है, यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है गाइस, मुझे तो यहाँ पर आके मज़ा आ गया। गर्मी चाहे कितनी हो बट इसको देख के माइंड को जो शांति मिल रही है उसमें मज़ा आ गया। इनसे तो रहा नहीं जा रहा, ये तो चले नहाने एंड एक्सप्लोर करते हैं गाइस इस जगह, बड़े मज़ा आ रहा है। यहाँ पर ग्रीनरी ग्रीनरी है और साथ में वाटर की फ्रेशनेस, और यहाँ पर हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। तो मिलते हैं गाइस आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही कॉमेडी सीन हो चुका है, अनमोल और नहा रहे थे यहाँ पर बट उनकी चप्पल बह गई है नदी में, तो अभी जाते हैं उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ। इन्हें मैंने पहले ही वॉर्न करा था कि चप्पल वगैरह उतार के ना हो, बट मान देंगे आए ये लोग और चप्पल बह चुकी है इनकी। अब जाएंगे एक ही चप्पल में घर, ये रहे यहाँ खड़े। तो गाइस
भाई की चप्पल बह चुकी है, गोला भी था सवारी को उतारने पर नहीं उतारी और वो चप्पल इधर चलेगी। अभी ये दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं किसकी गलती है क्या गलती है। तो हम ब्लॉगर बनने वाले चप्पल दिलाऊंगा, तो अब तो ये लड़ रहे हैं इस बात पर। अब तो चप्पल इसकी बह गई, ये तो रायपुर में भी नहीं मिलने वाली। मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में भाई। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता चला कि मेरी चप्पल बह चुकी है, ऐसे ऐसे कमीनों के साथ ना कभी आ मत जाना, चप्पल बहा देते हैं, नंगे पैर जा रहा हूँ, पता नहीं कैसे कैसे गुट के चप्पल। हाँ पहले बोला था तेरी, पहले बोलने से चप्पल आ गई मेरी वापस, पता नहीं अब क्या होगा। अब चलो पैदल पैदल चल रहा हूँ, मैं पता नहीं साले पत्थर इतने सारे हैं, चलते हैं अब रास्ते में। तो अभी वहाँ कार के पास मिलते हैं गाइस। मैंने बोला था अनमोल को कि चप्पल मत ले जा, 10 बार बोला, पर अनमोल ने बोला अपनी चप्पल नहीं मैं छोड़ूंगा, तो मैंने बोला ले जा ले। और एक बार बह चुकी थी, फिर भैया और ने रोक ली थी, फिर दोबारा फिर ले जाई, फिर दोबारा बह गई, अब मिली नहीं। अब अनमोल देखो नंगे पैर चल रहा, बोलते इंसान एक बार बोलता उस चीज़ को मानो। तो गाइस चुका हूँ कार के, मैं तो पहुँच चुका हूँ अब कार के पास, ये देख लें। और अनमोल के पैर में पत्थर छुप रहे थे तो लगे आप उठा के ला रही, देखिए देखो। और अब सोच रहा हूँ हम ऊपर साइड चलेंगे, इधर यहाँ पर आपको रोड नई वाली कार पे चल रही है, इधर चलेंगे अब ऊपर आपको दिखाएंगे। तो आई देख चुके आप व्यू यहाँ पर, और आप तो भाई लोग हम पहुंच चुके हैं आईडी वापस से, तो मेरी चप्पल खो गई थी, अभी हम लोग वापस से जिम जा रहे हैं। और मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया कि चप्पल खो गई, वरना आने थोड़ी ना देते वापस। मेरे वही तो हो रहा है, घर वालों ने व्लॉग देख लिया तो वैसे भी चप्पल का तो पता चल जाएगा, ऐसे तो पता चलेगा, व्लॉग देख के बोलेंगे चप्पल कहाँ है। और वैसे मैं बता दूंगा, तो अब पहुंच चुके हैं, तो अब सीधा जिम में मिलते हैं फिर शाम के टाइम। बाय। ओके अब जिम चलते, थोड़ा अपनी और कर लेते हैं वर्कआउट, और आपको दिखाते हैं जिम के अंदर। अब चलते हैं। ओहो इसके अंदर पूरा धुआं धुआं हो रहा भाई, देख सकते हैं आप, पूरा धुआं हो रहा है, लगता है जिम भी नहीं दिखेगा आपको। और ये करना तो जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि पूरा धुआं नाक में जा रहा है। गाइस हम बाहर आ चुके हैं और वो दो बंदर अंदर ही हैं, और मेरे हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, देखिए आ गए वो। सो बाय गाइस, अब हम घर चलते हैं, फिर हम आपको शाम को दिखाएंगे जब मंदिर जाएंगे तो। ओके बाय गाइस, हम बाहर आ चुके हैं और वो दो बंदर अंदर ही हैं, और मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, देखिए आ गए वो। सो बाय गाइस, अब हम घर चलते हैं, फिर हम आपको शाम को दिखाएंगे जब मंदिर जाएंगे तो। ओके बाय। सर वो फिर ये क्या।